नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कहीं ना कहीं बिगिनर्स को, नए ड्राइवर्स को जो गाड़ी सीखते हैं, उन्हें आगे का बोनट जज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और स्पेशली जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो तब तो और ही ज़्यादा। और फिर इस समय हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि काश ये बोनट थोड़ा ऊंचा होता और पूरा दिख पाता। हालांकि एसयूवीज़ में भी बोनट थोड़ा ऊंचा रहता है, पूरा दिख पाता है, लेकिन आपको एसयूवीज़ में भी दिक्कत आती है सामने का अंदाज़ा फिर भी लगाने में कि भाई बोनट के आगे का जो बीच का जो हिस्सा है वहाँ से गाड़ी कितनी दूर है उसका कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं लग पाता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी की फ्रंट साइड का अंदाज़ा कैसे लगाएं और कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ मैं अपनी टाटा टियागो में करके दिखाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। अभी मैं एक ईंट लेकर के आया हूँ, अगर आप दिखाऊं ये ईंट, मैं इस ईंट से आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्रंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई वीडियोस मैंने देखी है सामने में कि भाई वो गाड़ी वगैरह रख के दिखाते हैं, कोई दीवार वगैरह से जजमेंट करके बताते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर चलो ठीक है अंदाज़ा ठीक लगा तब तो ठीक, अगर गलती हो गई कुछ या फिर गाड़ी ठुक गई तब क्या, तब तो नुकसान हो जाएगा ना, तो हमें नुकसान नहीं होने देना है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी को हम लोग एक नॉर्मल रोड पर लेके आ गए हैं, और इस ईंट के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गाड़ी के फ्रंट साइड को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जस्ट मैंने गाड़ी से इतनी दूर, यहाँ पर ये ईंट है और ये सामने गाड़ी है, अगर साइड से मैं आपको इस डिस्टेंस को दिखाऊं, कुछ इतनी डिस्टेंस यहाँ पर ईंट और गाड़ी के बीच में है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा अपनी ड्राइवर सीट से और इस बोनट के इस वाले छोर तक का आपको थोड़ा सा अपना गैप देखना है कितना है। और यहाँ से अगर मैं कदमों में अगर गाड़ी के बोनट का अपना वो मापूं तो मैं 1, 2, 3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कदम में मेरी गाड़ी का बोनट आ गया। ठीक है, तो लगभग तीन कदम चलने के लिए मुश्किल से थोड़ा बहुत ही 1 राउंड या 1.5 राउंड इस टायर को घूमना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड मैप बनाना है इस तरीके से, आपकी गाड़ी के हिसाब से आप अपना देखेंगे। मैं जस्ट आपको अपनी टियागो पे आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके कि आपको किस तरीके से अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद आप चले जाएँ गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब जब आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, गाड़ी के अंदर आने के बाद आप कितना ही ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी जो फ़ोन है मेरी आँख के जस्ट सामने है, तो कुछ ये एंगल मुझे दिख रहा है और ये ईंट मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है, मतलब कि आप कितना भी ऊपर कर ले आपको फुल बोनट तो दिख नहीं पाएगा। ये मैंने कैमरे को लगभग छत से लगा दिया तब जाके भी मुझे थोड़ा सा बोनट दिखा है और पूरा बोनट दिख नहीं पा रहा। तो आपको तो नॉर्मल इस आई व्यू से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपका बोनट कितना है। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं ईंट को थोड़ा सा दूर रख के आता हूँ, ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे गाड़ी को पहले आगे बढ़ाएंगे। सो गाइज, अब हमें उस ईंट के जस्ट पास में गाड़ी चली जाए और वहाँ पर हमारा बोनट चले जाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 10-20 का फ़र्क रहेगा, लेकिन हमें अंदाज़ा उसी ईंट से लगाना है। सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं हम। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर लगा के और मैं सीधा गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये गाड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये मैंने ईंट कवर कर ली, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ईंट लगभग कवर हो चुकी है। इस कवर होने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है, हैंड ब्रेक लगा देना है और आपको अपना गेट खोलना है, गेट खोल के उतर के देखना है। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, नॉर्मल लाइफ में आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप बहुत काफ़ी ज़्यादा जगह है इस बोनट के और उस ईंट के बीच में। आप अगर इन लाइंस को देखें तो इस लाइन पर अभी मेरा बोनट है और वहाँ पर ईंट है, तो आपको थोड़ा सा इतना अंदाज़ा तो हो जाएगा कि आपके ड्राइवर व्यू से जब आप देखेंगे तो वो ईंट कवर कर रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गैप रहती है। अब इस
इस बोनट को आपको कैसे वहाँ तक पहुँचाना है उसको बताते हैं। सो इसके बाद अब हमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना है कि उस ईंट के पास या फिर कोई भी आपको गाड़ी वगैरह या दीवार है सामने, जो भी चीज़ है आपकी या जो भी रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ तक गाड़ी को धीरे धीरे लेके जाना है। और थोड़ा सा जो जगह है उसका रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। धीरे 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 आप गाड़ी में बढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं मैंने मुश्किल से 4 या 5 की स्पीड भी नहीं करी होगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी इतनी ही चलती है। और थोड़ा सा आगे लाने के बाद मुझे लगा कि अब शायद मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँगा। तो एक बार उतर के आप चेक कर लें, जैसा कि मैंने कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखा कि जो जगह है वो इतनी बची है, अभी भी एक कदम के लगभग और जगह बची है। तो फिर से आपको अंदर की तरफ जाना है। और गाड़ी को हल्का सा, एकदम हल्का सा क्लच छोड़ना है इस तरीके से कुछ, और गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ानी है। जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए फिर आपको वापस से उतर के देखना है कि भाई कितने कितने बार में कितनी जगह कवर हुई है। अब आप देख सकते हैं लगभग जो गाड़ी है वो ईंट के पास पहुंच चुकी है। अब इस ईंट की जगह अगर गाड़ी होती या कोई दीवार होती या और कुछ होता तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टार्टिंग में चांस हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को ठोक दो। तो बेहतर यही होगा कि हम किसी ऐसी चीज़ से शुरू करें जिसमें कोई नुकसान ना हो। सो गाइस, ये थी टेक्निक फ्रंट साइड को, गाड़ी के फ्रंट साइड को या बोनट को जज करने की। इस टेक्निक में आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरीके से यूटिलाइज होता है और आप बिना देखे भी कई बार आप थोड़े धीरे धीरे जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। सिर्फ प्रैक्टिस ही इस टेक्निक में की पॉइंट है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ड्राइविंग की हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरती जाएगी। और साथ ही साथ आपको जब जब जितना जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा प्रैक्टिस करने से, आप उतना ज़्यादा अंदाज़ा लगाने में सक्षम होते जाएंगे। तो एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। इतना ही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैंने ड्राइविंग के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप चाहें तो आई बटन में जाकर के उसका लिंक आ रहा होगा वहाँ से आप पूरी देख सकते हैं। A to Z आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बिगिनर में अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो। बाकी यदि आप टाटा टियागो से रिलेटेड स्पेशली या फिर ड्राइविंग से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। पर्सनली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको नीचे पॉप भी हो रहा होगा। अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।